हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर की बर्फी। मिल्क पाउडर की बर्फी कुछ ही समय में बनने वाला बहुत ही आसान डिज़र्ट है, जिसे कि आप राखी, होली, दिवाली जैसे फेस्टिवल पे बना सकते हैं। आप इस बर्फी को बनाइए। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/3 कप चीनी, आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम और पिस्ता। एक पैन में घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे दूध। दूध जब हल्का गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें गांठ न बने। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिल गया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब इसमें डालेंगे चीनी। इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। यह कढ़ाई छोड़ने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे मिला लेंगे। अब यह जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। एक ट्रे में बटर पेपर लगाएंगे। उसमें मावा सेट करेंगे। इसे फैला लिया है, अब इसमें बादाम और पिस्ता डालेंगे और इसे प्रेस कर देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स इसमें चिपक जाए। अब इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यह सेट हो गया है, अब इसे इसमें से निकाल लेंगे और इसे बर्फी का शेप दे देंगे। बर्फी काट लिया है, देखिए कितना अच्छा शेप आया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बर्फी प्लेट में निकाल लिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मिल्क पाउडर से बर्फी बनाना बहुत ही आसान है। यह कम समय में बनने वाला बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप होली, दिवाली, राखी किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। आप इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू।